हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित शर्मा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीएसएस का यूज़ करके हम लिस्ट कैसे बनाएंगे सीएसएस में। आज का हमारा टॉपिक है कि कितने तरह से लिस्ट हम बना सकते हैं सीएसएस में और उनकी फॉर्मेटिंग कितने तरह से कर सकते हैं। तो सीएसएस में लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो है, मैं यहाँ पर सबलाइन टेक्स्ट का यूज़ करूँगा। जैसा कि इसके पहले पैराग्राफ में इसके पिछले वीडियो में बताया था कि पैराग्राफ कैसे हम बनाएंगे, और आज हम लिस्ट के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो HTML की फॉर्मेटिंग यहाँ पर पूरा ले लिया। यहाँ पर इसके बाद जो है HTML, तो सिंपली जैसे कि HTML में हम लिस्ट बनाते हैं, दो तरह की लिस्ट हमारे पास होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। तो कोई भी एक लिस्ट ले लेते हैं जो कि हमको फॉर्मेटिंग देखनी है, CSS यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम अनऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं UL, और लिस्ट बना लेते हैं कुछ सिंपल सा। ये पहली लिस्ट हो जाएगी लिस्ट आइटम 1। लिस्ट आइटम 1 हो गया, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये कुछ लिस्ट हो गई, मैंने कुछ आइटम ले लिया यहाँ पर, लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, ये फिफ्थ हो गया, और ये हमारा सिक्स हो गया। 6 लिस्ट हमने यहाँ पर लिया है। सिंपली मैं जब इसको चेक करूंगा तो एक नॉर्मल सी लिस्ट हमारे पास आएगी। मैं इसको ओपन करता हूं। SEO analysis यानी कि यहाँ पर है W3 में, ये हमारा पेज है जिसको मैंने बनाया है। तो यहाँ पर सिंपल से लिस्ट हमारे सामने आ गई है, 6 लिस्ट आ गई है। हमको इसकी फॉर्मेटिंग देखनी है CSS का। अभी इसमें CSS का यूज़ नहीं किया गया है, बट अब इसमें हम CSS यूज़ करके देखेंगे क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं इसमें। तो चूंकि हमको लिस्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, तो यहाँ पर स्टाइल ऐड करेंगे टाइटल के नीचे। स्टाइल और यूएल को डिफाइन करेंगे, UL। इसका लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट लिंक ज्वाइन, लिस्ट और लाइन कैप, तो ये तरह तरह की चीज़ें हैं इसमें। तो फिलहाल लिस्ट लिस्ट का बैकग्राउंड हम चेंज करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर अगर हम यहाँ पर डालते हैं ग्रे, बाकी सारे कोड की तरह से। तो सिंपली इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया यहाँ पर, और टेक्स्ट कलर हम यहाँ से डाल सकते हैं अलग कलर। तो कलर मैं यहाँ पर वाइट डाल देता हूँ, कलर वाइट डाल दिया।
तो ये कुछ चेंजेस हुए इसमें, पैडिंग पैडिंग डाल देते हैं यहाँ से, पैडिंग 10px डाल दिया इसमें। अब इसके भी जो है स्पेस बढ़ जाएंगे, इसको 50px अगर 30px कर दें तो ज़्यादा बेटर लगेगा। ये अपने देख लिया लिस्ट, पैडिंग इसका हो गया। और जो इसमें जो लिस्ट आइटम हैं अलाइन, टेक्स्ट अलाइन अगर हम लेफ्ट डाल देते हैं यहाँ पर, लिस्ट टाइप नन कर देते हैं, तो ये हमारा जो डॉट आया हुआ है लिस्ट लिस्ट स्टाइल टाइप नन डाल देते हैं, तो ये जो डॉट है जो सिंबल है ये हमारा हट जाएगा यहाँ से। और फ्लोट हम अगर लेफ्ट कर देते हैं तो क्या होगा, फ्लोट हमारा लेफ्ट हो जा रहा है। तो अब थोड़ी सी इसमें जो है फॉर्मेटिंग हम लिस्ट के लिए भी करेंगे, फ्लोट लेफ्ट फ्लोट लेफ्ट कर दिया यहाँ पर, तो ये क्या हुआ कि सारे के सारे आइटम हमारे जो है दूसरी साइड हो गए। करना क्या है यहाँ पे, अब इसके बीच का जो हमारी लिस्ट हमने बनाई है यहाँ पर भी हम पैडिंग डाल देते हैं, तो क्या होगा पैडिंग हम यहाँ पर डाल देंगे 5px का, और बॉक्स साइजिंग तो कर दिया हमने यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे स्पेस बन गया। अब ऐसे ही हम इसको जो है टॉप नेविगेशन बना सकते हैं। अब इसको लिस्ट में हम इसको अगर मान लीजिए यहाँ पर होम डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया ऑनलाइन, सपोर्ट और आइटम, हो गया और सर्विसेज हो गया, पर मोर हो गया, यहाँ पर डाल दिया मैंने, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डाल दिया और इसको सेव कर दिया, तो आपको दिखेगा इसमें चेंजेस क्या आएंगे इस तरह से। अब इसमें थोड़ी चेंजिंग लाते हैं, यहाँ पर जो यूएल है हमारा फ्लोट लेफ्ट को हम हटा देते हैं यहाँ से, और स्टाइल टाइप नन कर दिया, पैडिंग यहाँ पर कम कर देते हैं, पैडिंग यहाँ पर 5px कर देते हैं,
आई पी एक्स, अब इसको चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा कम हो गया, 10 PX पैडिंग कर लें, से पैडिंग को हटा दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, पैडिंग का कोई सेंस नहीं यहाँ पर। बैकग्राउंड कलर तो है, बैकग्राउंड कलर हम इसको जो यहाँ से हटा करके लिस्ट में कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये आ गया। तो इस तरह से अगर हम इसको मैक्स विड्थ डाल देते हैं, अगर मैक्स विड्थ तो 100% हो जाएगा हमारा। अब आपको मिलेगा कि ये पूरा जो है मैक्स विड्थ 100% नहीं ले रहा, तो यहाँ पर एक काम ज़रूर किया जा सकता है कि हम इसको पैराग्राफ ले लें या फिर डाइव डिव ले लें, अगर हम पैराग्राफ ले लेते हैं इसको तो इसका जो कलर है बैकग्राउंड का स्टाइल, बैकग्राउंड कलर ग्रे, तो हमारा यहाँ पर तो इस तरह से दो तरह की हमने लिस्ट देखी, यहाँ दो तरह की लिस्ट, अभी तो फिलहाल एक तरह की लिस्ट हमने देखा है यहाँ पर सारे आइटम्स को एक लाइन में शो करने के लिए लिस्ट आइटम्स को। अब इनका जो है और दूसरी लिस्ट जो हमारी होती है, अगर हम इसको अगर यहाँ पर यू एल की जगह पे हम ओ एल कर देते हैं, ओ एल कर देते हैं तो ये नंबर में आ जाएगा, ये लिस्ट वाइज ये 1 2 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मेटिंग हो गई कुछ जो है लिस्ट के बारे में, थोड़ा सा मैंने बताया, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताऊंगा कि इसका यूज़ करके हम टॉप नेविगेशन वेबसाइट का कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।